किसान भाइयों, गोविंद ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत कृषि क्षेत्र के उच्च शिक्षित श्री बाला साहेब गाढ़ेकर जी ने सन 2007 में की। आज ये कंपनी अत्याधुनिक तंत्र शुद्ध खेती के लिए उपयुक्त ऐसे ग्रीन हाउस निर्माण करने वाली जानी मानी कंपनियों में से एक है। गोविंद ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड। तलेगांव स्थित कंपनी के फैक्ट्री में ग्रीन हाउस निर्माण के लिए लगने वाले सभी पुर्जे एवं सामग्री का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस को ज्यादा मजबूती और जीवनमान मिले, इसका खास ध्यान रखा जाता है। ग्रीन हाउस बनाने के लिए जमीन का चयन पूरब से पश्चिम इस दिशा में होना चाहिए। इस जमीन को लेवल करते समय आपको 1.5% का स्लोप देना होगा, जिसपे कंपनी ग्रीन हाउस निर्माण का काम शुरू करेगी। अगर आप नेचुरल वेंटिलेटेड विद टॉप वेंट पॉली हाउस या नेट हाउस बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जमीन में स्टब टाइप यानी टेलीस्कोपिक फाउंडेशन डाला जाता है। इसका तांत्रिक विवरण इस प्रकार है। गड्ढे का आकार, गोलाई 400 मिलीमीटर और गहराई 600 मिलीमीटर। फाउंडेशन जीआई पाइप की गोलाई 60 मिलीमीटर बाहर से, मोटापा 2 mm और लंबाई 1000 mm। इस फाउंडेशन पे ढांचे का निर्माण किया जाता है, जो जीआई पाइप में बनाया जाता है। ये ढांचा 130 किलोमीटर प्रति घंटा हवा के दबाव को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। इसका तांत्रिक विवरण इस प्रकार है। मेन कॉलम लंबाई 6500 mm, बाहर की गोलाई 76 mm। सेकेंडरी कॉलम लंबाई 4500 mm, बाहर की गोलाई 76 mm। बॉटम कॉर्ड लंबाई 8000 mm, बाहर की गोलाई 60 mm। टॉप कॉर्ड लंबाई 6000 या 5200 mm, बाहर की गोलाई 42 mm। टॉप पर्लिन लंबाई 4000 mm, बाहर की गोलाई 48 mm। गटर पर्लिन लंबाई 4000 mm, बाहर की गोलाई 42 mm। कॉरिडोर या हॉकी लंबाई 5000 mm, बाहर की गोलाई 60 mm। कर्टन शाफ्ट लंबाई 6000 mm, बाहर की गोलाई 21 mm। इस ढांचे का एरोडायनामिक आकार ग्रीन हाउस को तेज हवा से नुकसान पहुंचाने से बचाता है। इस ढांचे को बनाने में M10, M8 एवं M6 नट बोल्ट तथा गैल्वनाइज से बने क्लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पॉली या टेपनेट नायलॉन के कसावट के लिए प्रोफाइल लगाए जाते हैं, जिसे जिगजैग स्प्रिंग द्वारा कसने की व्यवस्था की जाती है। ढांचा मजबूत हो, इसलिए हॉकी लगाई जाती है। इस ढांचे को नेचुरल वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर विद टॉप वेंट कहते हैं। ढांचे के निर्माण के बाद मोल्डेड बिना जोड़ गटर लगाए जाते हैं, जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होते हैं, जिसकी चौड़ाई 500 mm होती है और इन गटर की जमीन से ऊंचाई 4.5 मीटर की होती है। इन गटर से बहने वाला बारिश का पानी फिर से सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ढांचे का बेस साइज 8 m/4 m का होता है और उसकी सेंटर हाइट 6.5 मीटर की होती है। ये मापदंड तय है। अब इस ढांचे को 200 माइक्रोन यूवी वाइट या येलो पॉलिथीन से ढक दिया जाता है। अंदर से 50% शेडनेट लगाया जाता है, जो आवश्यकतानुसार आगे या पीछे किया जा सकता है। साइड कर्टन और टॉप वेंट को 40 मेश इंसेक्ट नेट लगाई जाती है। ढांचे के चारों ओर जमीन से 1 मीटर ऊपर और 1 फुट गहराई से एप्रन पेपर लगाया जाता है। इस कारण ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड वायु जमा होकर पौधों में फोटोसिंथेसिस मटेरियल पर्याप्त प्रमाण में बनता है।
जिसका सीधा असर उच्चतम उत्पादन क्षमता बढ़ाने में होता है। अंत में ग्राहकों के आवश्यकतानुसार दरवाजे लगाए जाते हैं। ये ग्रीन हाउस आपकी फसल को भारी बरसात, तेज हवा, अधिकतम तापमान और अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप पौधों पे आने वाले कीटाणु या रोगों को कम पैसों में प्रतिबंधित कर सकते हैं और फसल को आवश्यकता अनुसार हवा, प्रकाश, तापमान एवं नमी को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप पारंपरिक खेती के उत्पादन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ये किसानों की निगरानी और फसलों की देखभाल पर निर्भर है। पूरे साल में बिना मौसम उत्पादन लेकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ग्रीन हाउस बनाने वाले किसानों को भारत सरकार अनुदान के माध्यम से लागत राशि के 50% तक आर्थिक सहायता करती है। किसान भाइयों, इस प्रकार के ग्रीन हाउस में आप डच गुलाब, कार्निशन, जरबेरा एवं एंथ्रियम जैसे फूल, चेरी टोमेटो, रंगीन शिमला मिर्च, ब्रोकोली जैसी फल सब्जियां, नर्सरी पौधे एवं औषधि वनस्पतियों का उत्पादन लेकर देश विदेशों में निर्यात कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चलो आधुनिक कृषि तंत्र को अपनाएं, अपने कृषि जीवन को समृद्ध बनाएं। गोविंद ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे।